सर, आज जो आपने मीटिंग करी है इसमें क्या कुछ निर्णय लिया गया? वैसे तो मीटिंग की अध्यक्षता चौधरी साहब ने की थी, ये बताएंगे, लेकिन इसमें एक तो ये है कि सभी टोलों को, चार टोलों की पांच पांच आदमी लेके 20 लोगों की कमेटी बनाएंगे, जो यहाँ कोई भी इस तरह का आंदोलन हो उसके नेतृत्व करेगी और उसको आपस में राय मशवरा करके उसका आगे करेंगे। और दूसरा कुछ कन्फ्यूज़न है कि भी जैसे एक आईजी का बयान आया है कि भी मुकदमे अभी जांच चल रही है, अभी हम उसका देख रहे हैं, वीडियो फुटेज देख रहे हैं, और जो गलत होगा उसका उसको बख्शा नहीं जाएगा, तो हम एक बार मिलने जा रहे हैं। और कुछ ऐसा भी कोई बयान आया, कुछ खबर आई है कि हमने अभी बातचीत की है, फैसला नहीं किया है, अखबार में कुछ इस तरह की बात छपी है, तो उसके बारे क्लियर करना जा रहे हैं। अगर कोई प्रशासन की तरफ से कोई हमें ऐसा लगा कि कोई कार्रवाई का अंदेशा है या कर रहे हैं, तो उसके बाद मीटिंग करके उस पर एक्शन लेंगे, और अगर कोई वो फोकट खबर है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। ये बाकी प्रधान जी, समझौता नहीं किया गया था क्या सर? नहीं, लिखित वाली को बात ही नहीं थी, लिखित वाली को बात ही नहीं थी। उन्होंने कहा जो पकड़े हम छोड़ देते हैं, जो गाड़ियाँ हम छोड़ देते हैं, हमारी भी टूटी है तुम्हारी भी टूटी है, कोई बात नहीं, चलो हो गया, छोड़ो इसको, खत्म करो, होगी खत्म। तो कुछ गाड़ियां अभी तक हैं जो छोड़ी नहीं गई है? नहीं, सब छोड़ दी गाड़ियां, सब छोड़ दी। कुछ है तो वो करें कि ओनर है उनके, उनको ही हैंडओवर किए जाएंगे। हैं जी, जिनके नाम आरसी है उनको ही हैंडओवर ना, वो मैंने कह दिया था कि वो भी मेरी बात होली थी, मैंने कह दिया था कि ऐसा नहीं चलेगा, और जो भी उसका वारिस आता है उसका जमानत ले सकते हो, उसके गांव का सरपंच से किसे भी, हाँ इसी के आकर और अली बात खत्म करो उसको, उसको यह नहीं है नाम तो किसी के भी हो। मैंने एक ट्रैक्टर खरीदा है, मैं पंजाब से खरीद के लिया, वो उसके हवाले थोड़ी करेंगे उसको। तो कितने लोगों की कमेटी है सबसे? ये तो 20 लोगों की कमेटी है यहाँ पे, जो चार टोल हैं, चार टोलों से पाँच पाँच आदमी लेके, वो तो भविष्य के लिए है, भविष्य के लिए। आज की तो वो जो पहली कमेटी थी वही कमेटी बात करने के लिए जा रही है। अगर जिस तरीके की मीडिया रिपोर्ट है सर, उसी तरीके का पुलिस का रुख मिला तो क्या आगे की? बिल्कुल सख्त स्टैंड, बिल्कुल सख्त स्टैंड लेंगे। अगर कोई अपनी, अगर वादे से अगर हिले, अगर पुलिस प्रशासन अपने वादे से हिलता है तो बिल्कुल सख्त स्टैंड लेंगे। कोई नेता जो आरोप लगा रहे हैं किसान जो हॉस्टल को तोड़ने के लिए गए थे, ऐसे ये भाजपा नेता को तो बकवास काटने की आदत है। अरे हम तो सेवा करने वालों में है, किसान सेवा करने वालों में, हॉस्पिटल तोड़ने वालों में नहीं है। हमने खुले लंगर लगा रखे हैं, बीजेपी वाले ने किसी ने लगाया क्या? हमने दवाई के फ्री कैंप लगा रखे हैं, किसी बीजेपी वाले ने लगाया है क्या कोविड में? ये तो ब्लैक कर रहे हैं, गैस की ब्लैक कर रहे हैं, अस्पतालों की ब्लैक कर रहे हैं, बेडों की ब्लैक कर रहे हैं, टीकों की ब्लैक कर रहे हैं, ये वो बीजेपी वाले हैं। सर, कुछ सामाजिक संगठनों ने कल एक बैठक की है, उसमें जो घटना हुई थी हॉस्पिटल का विरोध वो दिखा रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री जी का, और उसका प्रेस नोट है वो लोक संपर्क विभाग DPRO के थ्रू जारी हुआ है, तो क्या इस पर प्रतिक्रिया? देखिए, हॉस्पिटल का तो विरोध का कोई मतलब ही नहीं बनता, ना किसी ने हॉस्पिटल का विरोध किया है, मुख्यमंत्री के आने का विरोध किया है। मुख्यमंत्री उसका उद्घाटन ऑनलाइन भी कर सकता था, और क्या वो देवता है जो उद्घाटन करेगा तो ज़्यादा मरीज ठीक हो जाएंगे? ना भी करने आए तो फिर नहीं अस्पताल चलता, क्यों कोविड में, क्यों कोविड के कानून तोड़े उसने? 1000 आदमी, 500 आदमी वहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है, लोगों के लिए कानून है, वो CM के लिए नहीं होते क्या? क्यों उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए? जो कोविड के कानून तोड़ रहा है उन पे हमारे पे मुकदमा दर्ज करते हैं, हम इकट्ठे क्यों होते हैं, वो खुद इकट्ठे कर रहे हैं, उन पे मुकदमा दर्ज क्यों नहीं बनता? सर, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि कुछ प्राइवेट लोग, गैर सरकारी संगठन इस तरीके की बैठक करें, आप लोगों का विरोध करें, उसके प्रेस नोट सरकार जारी कर रही है, सरकार के विभाग उसके प्रेस नोट जारी कर। आप समझ सकते हैं, अगर कोई प्राइवेट संगठन कोई मीटिंग करता है और वो कोई बात कहता है और उसका प्रेस नोट सरकार जारी करती है, तो इसका मतलब ये निकलता है कि वो संगठन सरकार ने दिखा के एक समाज में अफवाह फैलाना चाहते हैं, और ये तो बीजेपी का षड्यंत्रकारी तो है ही, लेकिन आज तक इनके कोई षड्यंत्र पास नहीं है, क्योंकि इस आंदोलन पे उस मालिक की विशेष की पोस्ट और वायरल है सर, हिसार में ही एक पदाधिकारी है बीजेपी का, उसने अपनी फेसबुक पे लिखा है कि इस हॉस्पिटल जो मुख्यमंत्री जी का विरोध था उसको हॉस्पिटल का विरोध दिखाना है, और उसमें उन्होंने साफ तौर पे नीचे लिखा है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी पेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फैलाएँ, और ये निर्देश है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हिसार का। ऐसे जो इस षड्यंत्रकारी जो ये लोग हैं ना,
ये षडयंत्रों से ही इस आंदोलन को समाप्त करना चाहते हैं, षडयंत्रों से ही सरकार चलाना चाहते हैं, और ऐसे षडयंत्रकारियों का इलाज ये किसान लोग करके हटेंगे। ऐसे षडयंत्रकारियों का भविष्य में भी इलाज किया जाएगा और जनता खुद ब खुद इलाज करेगी कि जो ये दिखाना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का विरोध किया है, उसको हॉस्पिटल का विरोध दिखाना चाहते हैं, झूठ के पाँव नहीं होते और काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। अब लोग इनकी चालों को समझ गए। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर